नमस्कार, आज नए टॉपिक पे बात करते हैं। जियोलॉजिकल वर्क ऑफ नेचुरल एजेंसी लाइक रिवर एंड विंड। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था रिवर के बारे में, आज डिस्कशन करने वाले हैं विंड्स के बारे में कि जियोलॉजिकल वर्क्स ऑफ नेचुरल एजेंसी विंड, उसके थ्रू किस टाइप से जियोलॉजिकल वर्क होता है। द अर्थ ऑफ सराउंडिंग बाय द एनवेलप ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों ओर जितना भी जो एनवेलप है गैसेस का जो एक एरिया है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज विंड। जो मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर के डायरेक्शन के अंदर पैरेलल जो मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस के, वो चीज हमारी विंड कहलाती है। द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। और जो एयर का जो मोशन होता है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। तो ये एक बेसिक विंड की डेफिनेशन है कि अर्थ के चारों तरफ जितना भी जो एनवेलपर जो आपका वायुमंडल जो बना हुआ है वो गैसेस का बना हुआ है, उस चीज को हम लोग एटमोस्फेयर में काउंट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द एटमोस्फेयर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज विंड। और जो मूवमेंट होता है एटमोस्फेयर का मूवमेंट होता है किसके पैरेलल में होता है, जो अर्थ सरफेस होती है उसके पैरेलल डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होता है एटमोस्फेयर का, वो चीज वो किसके थ्रू होता है, विंड होती है। और जो एयर का जो मोशन होता है, जो वायु का जो मोशन किया जाता है, वो विंड में काउंट होता है। इरोजन बाय विंड डेवलप फीचर्स। अब विंड के अकॉर्डिंग किस टाइप से इरोजन होता है, उसके कैसे क्या क्या फीचर्स है, वो कैसे डेवलप करते हैं। तो विंड इरोजन जनरली केज बाय टू इरोजन प्रोसेस। जो विंड का जो इरोजन होता है दो बेसिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट होता है डिप्लेशन होता है, सेकेंड होता है एब्रेशन पार्ट होता है। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि कैसे विंड से इरोजन होता है। डिफ्लेशन की बात की जाती है तो डिफ्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंपली रिमूविंग द लूज सैंड एंड डस्ट साइज पार्टिकल फ्रॉम ए एरिया बाय फास्ट मूविंग विंड। दैट मीन जो डिफ्लेशन की जो प्रोसेस होती है सिंपली प्रोसेस होती है रिमूविंग द लॉसेस सैंड, जो लूज जो सैंड होती है एकदम लूज कंडीशन की सैंड होती है जिसके अंदर मिनिमम वेट होता है वो, एंड डस्ट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं जो धूल वाले जो पार्टिकल होते हैं उनको वो वहां से उस एरिया से रिमूव करती है बाय फास्ट मूविंग। उस कंडीशन में क्या होता है जैसे तेज जो आंधी चलती तेज हवा चलती है वो उस कंडीशन में वहां से वो पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होते हैं। विंड डिफ्लेशन कैन सक्सेसफुली ऑपरेट इन कंपैरेटिवली ड्राई रीजन विथ लिटिल और नो रेनफॉल एंड वेयर द मेंटर इज द अनप्रोटेक्टेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वेजिशन। विंड डिफ्लेक्शन कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है, जहां पे ड्राई रीजन है एकदम सूखा एरिया होता है, जैसे कि आप बात करते हो लाइक रेगिस्तान की, उस एरिया के अंदर पूरा वो एरिया सूखा रहता है, वहां पे कोई बारिश नहीं होती कोई पानी नहीं है, तो वहां पे हमेशा इस टाइप की आंधी चलती रहती है और वहां के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं और उस पार्टिकल का क्या इरोजन होता रहता है कि एक जगह कोई टीला बना वहां से हटके दूसरी जगह जाएगा तो वो जहां टीला बना था उस जगह का वहां से क्या हो गया इरोजन हो गया। तो ये सक्सेसफुल कहां होता है विंड डिफ्लेक्शन ड्राई एरिया के अंदर होता है, वहां पे कोई रेनफॉल नहीं होती, नो रेनफॉल, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट होता है, एब्सेंस ऑफ द वेजिएशन होता है, कोई वहां पे आपका कोई वेजिएशन पार्ट नहीं है, कोई फसल नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, ओनली फॉर वहां का एरिया आपका रेगिस्तान पूरी डस्ट पार्टिकल का एरिया होता है, वहां सबसे ज्यादा विंड डिफ्लेक्शन से इरोजन होना होता है। फिर होता है एब्रेशन। द विंड लोडेड विथ सच पार्टिकल्स अटेन ए कंसिडरेबल इरोजन पावर विच हेल्प इन द इरोडिंग द रॉक सरफेस by rubbing and the grading action the produce may changes. This type of wind erosion is known as the abrasion. Abrasion का part होता है कि कोई भी wind के लिए जो load है तो wind का जो pressure create होता है उस wind के pressure के कारण से क्या है कि जितने भी जो particles होते हैं जो डस्ट के पार्टिकल हो गए आपके सोइल के पार्टिकल हो गए वो क्या होता है कंसिडरेबल होता है एक जगह दूसरी जगह इरोज होता है, लेकिन वहां से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं कि इतने हवा के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने साथ में इजीली वो पार्टिकल्स को वहां से फ्लो करने की कंडीशन में ले जाती है और जो रॉक्स की जो सरफेस पार्ट होती है वहां पे रॉक्स की सरफेस से वो टकराती है, उस रॉक्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स होती है लूज पार्टिकल होते हैं वो विंड के साथ वहां से हटना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो चीज होती है उसको हम लोग एब्रेशन में काउंट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। विंड के कारण कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, द टोटल सेडिमेंट लोड कैरी
बाय ए विंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जितना भी जो सेडिमेंट लोड होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है बेड लोड, सेकंड होता है सस्पेंडेड लोड। इन दो लोड की वजह से कोई भी अगर आपका जो पार्टिकल्स होता है, रॉक्स का पार्टिकल्स हो या फिर क्ले का हो, सोइल का पार्टिकल हो, ये ट्रांसपोर्ट दो वजह से होता है। एक तो बेड लोड काउंट होता है और एक सस्पेंडेड लोड काउंट होता है। जब बेड लोड की बात करते हैं, द लार्जर एंड द हेवियर पार्टिकल सच एज सैंड और ग्रेवल विच आर मूव बाय द विंड बट नॉट लिफ्टेड मोर देन 30-60 सेंटीमीटर ऑफ द अर्थ सर्फेस कंस्टिट्यूट द बेड लोड। बेड लोड क्या होता है कि जो सोइल के जो पार्टिकल्स है, लार्जर पार्टिकल और हेवियर पार्टिकल्स होते हैं सैंड के और ग्रेवल के, विच आर मूव बाय द विंड, वो विंड के साथ में मूव तो करते लेकिन नॉट लिफ्टेड मोर देन 30-60 सेंटीमीटर, लेकिन उनकी जो लिफ्टेड होती है, जो ऊपर उठने की जो कैपेसिटी होती है, वो 30-60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। कहां से? अर्थ सरफेस से। यानी ऐसे हवा के साथ अगर कोई पार्टिकल आपके फ्लो होते हैं जो अर्थ सरफेस से 30-60 सेंटीमीटर तक ही लिफ्ट होते हैं, वो पार्टिकल आपकी जो होते हैं वो लार्जर एंड हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, सैंड और ग्रेवल के होते हैं। और जो लोड अप्लाई किया जाता है वो आपके लिए जो क्रिएट होता लोड, वो बेड लोड में काउंट होता है। सेकेंड होता है सस्पेंडेड लोड, वेयर इज द फाइनर क्ले और डस्ट पार्टिकल विच आर लिफ्टेड बाय द मूविंग विंड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अबव द अर्थ सरफेस कंस्टेंट द सस्पेंडेड लोड। अब सस्पेंडेड लोड के अंदर कौन से पार्टिकल मूव करेंगे? वेन एज द फाइनर क्ले, एकदम फाइन जो क्ले होता है, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो क्ले के पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो इसके साथ में मूव करते हैं। और इनके जो लिफ्टिंग के जो पावर होती है, लिफ्टिंग की जो रेंज होती है, वो 100 मीटर होती है, मतलब 100 मीटर से भी ज्यादा ये ऊपर उठते हैं। कहां से? अर्थ सरफेस की, जो अर्थ की सरफेस होती है वहां से 100 मीटर इसकी लिफ्टिंग की कैपेसिटी होती है। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर बहुत इजीली वो फास्ट मूव करते हैं हवा के साथ साथ। तो ये यहाँ पे जो लोड क्रिएट होता है वो सस्पेंडेड लोड होता है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय विंड एंड द डेवलप फीचर्स। अब इस टाइप से ट्रांसपोर्ट होने के बाद में कुछ भी पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होता है तो किसी एक दूसरे एरिया के ऊपर जाके डिपोजिशन होता है, तो उसके क्या प्रोसेस है? द सेडिमेंट गेट ड्रॉप एंड द डिपोजिटेड फॉर्मिंग वॉट आर नाउ एज द एलियन डिपोजिट। जो सेडिमेंट होता है, दैट मीन सेडिमेंट मतलब एक जो एक्चुअल जो पार्ट था उस पार्ट से हटके दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो सेडिमेंट के पार्ट होता है। तो इस चीज को हम लोग एलियन डिपोजिशन में काउंट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एलियन डिपोजिशन, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सैंड डंस होते हैं, लूज होते हैं। और सैंड डंस और लूज क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सैंड डंस आर है हीप ऑफ सैंड फॉर्म बाय द नेचुरल डिपोजिशन ऑफ विंड ब्लो सैंड समटाइम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड द रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो सैंड डंस होते हैं वो एक हेप के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके रेगिस्तान वाले एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो सैंड का जो फॉर्म होता है एक नेचुरल डिपोजिशन के पार्ट होते हैं, जो नेचुरल जो हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग ये वहां पे होते हैं। ऑफ विंड ब्लो सम सैंड सम टाइम ऑफ द करेक्टरिस्टिक एंड रिकॉग्नाइज शेप। और इनके जो शेप होते हैं रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, दैट मीन्स कर्वेचर फॉर्म के अंदर आपको ये इजिली देखने को मिल जाते हैं। सैंड डिपोजिट आर ऑफ्टन फाउंड टू द माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर विंड की वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस होता है, जैसे एक वो सिंगल स्टेज के अंदर फ्लो रही फिर बाद में इजीली वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं, जैसे आपके विंड के डायरेक्शन चेंज होती है तो वैसे आपके जो पार्टिकल जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उस चेंज होने की प्रोसेस से क्या होता है कि वहां का जो डिपोजिशन वाली जो प्रोसेस होती है वो भी चेंज होती है, और वहां का जो डिपोजिशन एक पर्टिकुलर एक लेयर में न होते हुए एक अदर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द एक्टिव डंस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव डंस होते हैं वो तीन पार्ट में हमने उसको डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है ब्रांचेस और द क्रिस्टेंट शेप डंस, ब्रांच के अंदर मतलब एक ब्रांच होगी दूसरे ब्रांच तीसरे ब्रांच के जैसे शेप में कन्वर्ट होते हैं। फिर ट्रांसफर डंस होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल डंस होते हैं। ऐसे तीन इसके टाइप्स हैं। बात करते हैं ब्रांचेस की, डेट में किस टाइप से ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं।
दिस टाइम दैट लुक लाइक ए न्यू मून इन प्लान आर ऑफ मोस्ट कॉमन ओकेजन। इसका जो दिखने का जो तरीका होता है, ये जो ब्रांचेस का जो डांस होता है, कैसे होता है, एक जब नया चंद्रमा बनता है आकाश में, अगर आपने देखा अमावस के बाद में जैसे छोटे से बड़ा चंद्रमा बनता है तो एक कर्वेचर फॉर्म के अंदर रहता है वो मून, तो उस शेप के आकार के अंदर, शेप के साइज के अंदर हमारी डेंस क्रिएट होना स्टार्ट होती है, उसको हम लोग ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हैं। देर आर ट्रेंगुलर इन सेक्शन विद द सीड साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। सेकेंड इसका जो होता है ट्रेंगुलर सेक्शन के अंदर भी कन्वर्ट होता है, इसकी जो साइड होती है, जो साइड फेसिंग होती है, वो इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। ये कैसे चेंज होती है, जैसे विंड के डायरेक्शन चेंज होती है, विंड किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है उसी डायरेक्शन के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। एंड इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ, और उसका जो एंगल होता है वो इंक्लाइन शेप के अंदर होता है, वो कितने का डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री से 33 डिग्री का बनता है एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, और इसका एंगल की जो प्रोसेस होती है वो हॉरिजॉन्टली क्रिएट होता है। द जेंटली शेप स्लोपिंग साइड लाई ऑन द विंड वार्ड साइड एंड मेक एन एंगल ऑफ अबाउट 10 to 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसके अकॉर्डिंग जो स्लोपिंग वाली जो साइड एरिया होता है वहां पे जो विंड वार्ड साइड होती है सेकंड, उसमें जो एंगल क्रिएट होता है वो 10 से 15 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, वो भी हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। दे मे हैव द वेरिएबल साइज विद द जनरली मैक्सिमम हाइट ऑफ अबाउट 335 मीटर। दैट मीन इसकी जो साइज होती है वेरिएबल होती रहती है, जिस एरिया में ज्यादा आपकी डेंस पार्टिकल उसमें हो सकता है, वहां के डेंस की ज्यादा हाइट हो सकती है, जिसमें कम सोइल होती, मिट्टी होती है, वहां की इसकी हाइट कम हो सकती है, तो इसके हाइट मैक्सिमम हाइट क्रिएट करेगी 335 मीटर। एंड हॉर्न टू द हॉर्न विड्थ ऑफ से 335 मीटर, इसकी जो विड्थ है 350 मीटर की ग्रेड है, मैक्सिमम किसी डांस की हाइट यहाँ पे मेंशन करी गई है। सेकंड होता है इसका ट्रेवल डांस। ट्रांसफर डांस इज सिमिलर टू ए ब्रांचेस इज सेक्शन। ट्रांसफर डांस होता है वो सिमिलर होता है ब्रांचेस के सेक्शन के अकॉर्डिंग, बट इन प्लेन इट इज नॉट कर्व, लेकिन इसका जो प्लेन होता है वो कर्व के फॉर्म में नहीं होता। लाइक ब्रांचेस सच दैट इज लॉन्गर एक्सिस इज बॉडली ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवलिंग विंड। और इसके बाद में जो आपकी इसकी जो एक्सिस होती है लॉन्गुलर क्रिएट होती है ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवलिंग विंड, जो विंड की जो डायरेक्शन ऑफ द प्रिवलिंग उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट होता है। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल डांस। लॉन्गिट्यूडनल डांस आर द एलोंगेटेड राइज ऑफ सैंड विद देयर लॉन्गर एक्सिस बॉडली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवलिंग विंड, जो विंड के डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल के अंदर उसकी लॉन्गर एक्सिस क्रिएट होती है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डांस में काउंट करते हैं। व्हेन सीन इन द साइड व्यू दे विल अपेयर टू बी द ट्रेंगुलर ऑन एन एवरेज दे मे बी 3 मीटर हाइट एंड 200 मीटर लॉन्ग। ये इसका जो शेप होता है ये आपको देखने का जो इसका व्यू बनता है वो ट्रेंगुलर शेप के अंदर बनेगा। इसकी जो एक्चुअल जो हाइट होती है वो 3 मीटर होती है, लेकिन इसका जो विड्थ होती है वो आपकी 200 मीटर के आसपास होती है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डांस में काउंट करते हैं। हाइट कम मिलेगी लेकिन इसका जो बेस होता है वो 200 मीटर तक का, देट मीन से बोल सकते हैं इसका जो बेस होता है वो लॉन्ग होता है और हाइट कम होती है इसके अंदर। फिर सेकंड जो पार्ट होता है लूज। लूज इज द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ डस्ट ट्रेवलिंग इन द सस्पेंशन विद द विंड आर ट्रांसपोर्ट टू द कंसीडरेबल डिस्टेंस। जो फाइनेस्ट जो पार्टिकल होते हैं, एकदम जो फाइन पार्टिकल होते हैं डस्ट के, वो ट्रेवल करते हैं सस्पेंशन विद द विंड, विंड के साथ में वो ट्रेवल करते हैं सस्पेंशन कंडीशन में, वो तो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर कंसीडरेबल उसकी डिस्टेंस होती है, देट में कितने डिस्टेंस है ये पार्टिकल वर्क कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। व्हेन ड्रॉप डाउन अंडर फॉरएवर कंडीशन दिस हैव बीन द फाउंड टू द एक्यूमुलेट इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट द फ्रॉम ऑफ पेपर थिन लेमिनाइन विच हैव द एग्रीगेटेड टूगेदर टू फॉर्म ए द मैसिव डिपोजिट लो नाउन ए द लॉसेस। और ये जब पार्टिकल्स ड्रॉप कंडीशन में आते हैं, देट मीन ड्रॉप होना स्टार्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके, जहां उसकी स्पीड होती डाउन हो जाती है, डाउन स्पीड होने के कारण होता है कि जो जितने भी जो डस्ट के पार्टिकल थे वो क्या धीरे धीरे वहां पे ड्रॉप होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पेपर जो तीन होता है पतला जो पेपर होता है उस टाइप से आपको ये देखने को मिलते हैं। और एक लूज की कंडीशन में काउंट होना स्टार्ट होते हैं और वहां की जो लेयर होती है लूज लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
इंजीनियरिंग कंसीडरेशन, ये इंजीनियर हमारी इंजीनियरिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ये वर्क कर सकती है। इन जनरल नो साइट इज सिलेक्टेड फॉर एनी टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क ऑन द मूविंग डंस बिकॉज द डंस आर ऑलवेज सोर्स ऑफ ट्रबल टू एंड द इंजीनियर। सबसे पहला इसका ये पार्ट, इन जनरल मतलब सामान्य केस के अंदर हम लोग इस टाइप की जो साइट होती है, इस टाइप की साइट को हम लोग सिलेक्ट ही नहीं करते हैं कि जहां पे डेंस होता है, जहां विंड का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होता है, उस एरिया की हम लोग साइट कंस्ट्रक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर? डेंस इज ऑलवेज, क्यों नहीं करते हैं कि वहां के, बिकॉज सर डेंस आर ऑलवेज सोर्स ऑफ ट्रबल, वहां का जो सोर्स होता है हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है इंजीनियर के लिए। इट हैज बीन द एक्सपीरियंस दैट सम टाइम द मूविंग डेंस डैमेज सर्टेन इम्पोर्टेंट वर्क। कुछ ऐसा एक्सपेंशन देखा गया है, कुछ समय तक क्या होता है कि वहां के जो डेंस मूव करते हैं और हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो साइट होती है, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको डैमेज करने की कंडीशन में आ जाता है और वहां का जो वर्क होता है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है। बट इफ एन इंजीनियर इज कम्प्लेन टू सिलेक्ट सच ए साइट, लेकिन कोई अगर इंजीनियर ऐसा कंप्लेन करता है या कम्प्लीटली ऐसा सोच लेता है कि नहीं हमको ये साइट सिलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पेशल मेथड शुड बी एडोप्ट। उस कंडीशन में वहां पे स्पेशल मेथड एडोप्ट की जाती है जिससे कि उस डन जो वहां के जो सॉइल के पार्टिकल उसको कम किया जा सके। टू चेक द मोशन ऑफ द मूविंग डन, और वहां पे ये चेक किया जा सकता है इसका जो डन्स के जो मूविंग होती है उसका किस टाइप से वर्क करेगा, कितनी इसकी है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है, वो कंप्लीट उसको चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइदर टू द कंस्ट्रक्शन विंड ब्रेक और ग्रोविंग वेजिटेशन ऑन द सराउंडिंग एरिया। उस कंडीशन में जो कंस्ट्रक्शन की साइड होती है वहां पे आपको विंड को रोकने के लिए या फिर उस एरिया के अंदर वेजिटेशन, जो घास होती है, जो ग्रास होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं, वो हमको वहां पे ग्रोथ करवाना होगा जिससे कि वहां की जो सॉइल का जो कटाव होता है वो रुक सके और हमारी साइड वहां पे इजीली कंस्ट्रक्शन हो सके। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे दो पार्ट थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी के, जो कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, डिस्कशन किया विंड और रिवर का। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट के थ्रू पूछिए। थैंक यू।